नमस्कार दोस्तों। तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि खेत में अपने गांव आए, लेकिन हम आज आए हैं एमपी मध्य प्रदेश। क्या बोला तूने? और यहाँ पे एक डॉक्टर श्री डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत पुराना है। अच्छा। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, राजस्थान से, दिल्ली से। अभी हमने गाड़ियाँ देखी। तो आज कुछ अपने कानपुर का ब्लॉग नहीं बनने वाला, आज बनाते हैं बिहार का। अब अधिकतर बाहर बाहर ही ब्लॉग रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो आए थे गाड़ी लेके, चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे आना था हर शनिवार, अगर 5 शनिवार अगर आ जाओ आप लोग, या दर्शन कर लो या कुछ भी मान लो, दर्शन ही कर लो, तो जो भी दिक्कत, कैंसर, बीमारी, ये वो जितनी भी मतलब बीमारी मारी होती है वो सही हो जाती है। यहाँ ऐसा लोगों का, बहुत दूर दूर से लोगों का मानना है, कहना है। तो चलो दिखाते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए, गाड़ियाँ दिखाते हैं, सारे नंबर की गाड़ियाँ दिखाते हैं, और अंदर देखते हैं चल के क्या माहौल है। चलो जो दोस्त यार देख रहे हो, मान लो दिक्कत हो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये भिंड और ग्वालियर के बीच में पड़ता मंदिर, लोकेशन डाल देंगे। बाकी चलो वीडियो दिखाते हैं। ए गाड़ी स्टार्ट कर। ये देखो भैया एमपी नंबर गाड़ी, ये एमपी नंबर, वो राजस्थान नंबर, वो यूपी 75। इतने दूर दूर से लोग आए हैं। वो खड़ी दिल्ली नंबर गाड़ी। बात तो सही है। तो यहाँ पे कुछ प्रकार की मार्केट लगी है। चलो अंदर का माहौल देखते हैं क्या मामला है अंदर। बिल्कुल हनुमान मंदिर जैसा, पनकी मंदिर जैसा बना है, एकदम सेम ऐसा ही पनकी मंदिर में अपने, सेम पनकी मंदिर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पनकी मंदिर में आ गए। इनका भीड़ तो बहुत है। अंदर का माहौल दिखाते हैं। भाई यहीं तक है क्योंकि हम जूता उतारते नहीं है अंदर, बिना जूता उतारे अंदर मना, बिना जूता उतारे जाना। यहीं दिखाते हैं। ये
सामने बाबा जी बैठे हैं झाड़ रहे हैं, और वो लाइन लगी है पंखी मंदिर जैसी, इधर से जाने वाला इधर से लोग आ रहे हैं, लाइन लगा के वहाँ जा रहे हैं, वो देखो वो बाबा बैठे हैं। तो भाई एक सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ देखते हो किसका मंदिर है। लिखा तो श्री महादेव जी का मंदिर है, हम बस वीडियो बना के डालने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये देखो भैया पहचानो ये कौन है। अब ये लग तो हनुमान जी है, लेकिन इनके इतने सर कैसे हो गए हमें नहीं मालूम। तो अंदर भी दुकानें लगी हैं अंदर भी। तो दोस्त का फोन आ गया था भैया, पूरी वीडियो बर्बाद हो गई। अंदर भी बता रहे थे कि अंदर भी ये मंदिर बने, दुकानें लगी हैं, देखो सेम पंखी मंदिर जैसा है माहौल, एकदम मस्त। अंदर भी वहाँ भी ऐसा ही रहता है, लेकिन आज कुछ कम भीड़ है, दीपावली टाइम चला है इसलिए आदमी यहाँ कम रहा है, लेकिन तब भी बहुत बहुत दूर से आदमी आ रहा है। अंदर मंदिर के अंदर 5G एंटीना लगा, वो देखो हमें दिख गया, एक नंबर की व्यवस्था, 5G चला सकते हो। तो भाई ये मंदिर पड़ता है अपने कानपुर से लगभग 270-280 किलोमीटर, मतलब लमसम 300 किलोमीटर पड़ता है। और मेरे हिसाब से यहाँ मानना ये है कि सब चीज़ सही तो हो जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो हनुमान यहाँ है वही अपने पनकी मंदिर में, वही तुम्हारे घर में है,
मानो तो दिल से मानो, नहीं तो इतनी दूर आदमी 300 किलोमीटर आएगा सब चीज़ हो के तो उसकी तबीयत वैसे भी बढ़िया हो जाएगी। और मेरा कहना ये है, जब 300 किलोमीटर यहाँ आ सकते हो तो 400-500-600 किलोमीटर केदारनाथ और जम्मू कश्मीर वगैरह सब जगह घूमो तो अपने मन से तबीयत सही हो जाएगी। घूमते फिरते रहो तो तबीयत सही रहेगी, घर पर लेटे रहोगे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। 300 किलोमीटर यहाँ हर शनिवार आओगे तो तबीयत अपने मन से सही हो जाएगी। बाकी जैसा मानने तो सब कुछ है, नहीं मानने तो कुछ नहीं, कि आराम से घूमो। 300 किलोमीटर है, 300 × 600 किलोमीटर केदारनाथ वहाँ से पड़ता है। और केदारनाथ में जो पहाड़ियाँ और जंगल हैं मस्त, एक नंबर तबीयत हो जाएगी तो बीमार होने का समय वही नहीं आएगा। वहाँ का पानी, वहाँ के झरने, वहाँ का सब चीज़। तो भैया वीडियो को अब करते हैं इसे एंड, चलते हैं अपने गाड़ी पे और कुछ बढ़िया खाने लायक नहीं दिखाई दे रहा अभी, बाहर चलते हैं देखते हैं कुछ खाने लायक मिल जाता है तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलते हैं और क्या कहते हैं, देखो कुछ कहने वाले थे यार भूल गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।